तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये यदि आप भी अपने मोबाइल में क्रेडफिन एप्लीकेशन से ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो गाइज आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो गाइज जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, इससे ये आज नहीं आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने मोबाइल में क्रेडफिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होता है। तो गाइज मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो गाइज मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते गाइज मैं सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा। तो गाइस अपना अकाउंट किस टाइप से क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने गूगल अकाउंट से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी से। तो यहाँ पर गाइस मैं अपने गूगल अकाउंट से करना चाहता हूँ, गूगल पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपकी सभी जो आईडीज है वो यहाँ पर शो करेंगी। तो गाइस आप कौन सी गूगल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने को बोलेगा। तो यहाँ पर गाइस मैं अपना मोबाइल नंबर जो है उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे की साइड आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर टिक कर, तो यहाँ पर गाइस मैंने आई एग्री वाले ऑप्शन पर टिक कर लिया। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि जब उस पर क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को गाइस आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ओटीपी है वो आ चुका है। ओ टी पी एंटर करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस परमिशन मांगेगा, तो सभी परमिशन को यहाँ पर एलो कर लेना है। एलो करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और ग्रांट परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस फिर से परमिशन मांगे परमिशन को एलो कर लेना है। फिर से परमिशन मांगे परमिशन को एलो कर लेना है। एलो करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने जो केवाईसी वेरीफिकेशन है उसे कंप्लीट करना होगा। फिर गाइस आपको अपना एलिजिबिलिटी फॉर्म है उसे फिलअप करना होगा। लोन ऑफर्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। फिर गाइस आपको अपना जो अदर इन्फॉर्मेशन है उन्हें यहाँ पर एंटर करना होगा। बैंक डिटेल्स एंटर करना है और आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना होता है। फिर गाइस आपका जो आपका आपने जो भी अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हो उस बैंक अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन कर लेना होता है। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि जब इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है गाइस आपको अपना आधार कार्ड नंबर उसे एंटर कर लेना है और नीचे वाले ऑप्शन में गाइस आपको अपना कैप्चा फिलअप कर लेना है। फिर गाइस आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही गाइस आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को गाइस आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपना ओटीपी एंटर कर लेता हूँ। ओ टी पी एंटर करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका वेरीफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है प्रोसीड टू पैन वेरीफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है उसे एंटर कर लेना है। फिर गाइस आपको अपना जो नेम है जो भी आपके पैन कार्ड पर नेम है उसे एंटर करना है। फिर गाइस आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक करके गाइस आपको यहाँ पर वेरीफाई पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पैन कार्ड वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। फिर गाइस आपको क्या करना है प्रोसीड टू एलिजिबिलिटी फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस आपको अदर डिटेल्स फिलअप करने को बोलेगा। फर्स्ट में तो गाइस आपको अपना फुल नेम एंटर कर लेना है। फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको डेजिग्नेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको अपना आप कहाँ पर काम करते हो उस कंपनी का नेम एंटर कर लेना है। फिर गाइस आपकी जो नेट सैलरी क्या है तो यहाँ पर गाइस आपको अपनी सैलरी एंटर कर लेनी है। सैलरी एंटर करने के बाद आपका सैलरी मोड क्या है उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है। आप सैलरी किस टाइप से लेते हैं कैश से या फिर गाइस बैंक से, तो यहाँ पर गाइस आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है। फिर गाइस आपको अपना एड्रेस एंटर कर लेना है। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना ऑफिस का एड्रेस है उसे एंटर कर लेना है। फिर गाइस आपको क्या करना है इस वाले ऑप्शन पर टिक करके गाइस आपको सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही गाइस आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ लोन। तो यहाँ पर गाइस आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। फिर गाइस आपको क्या करना है प्रोसीड टू लोन ऑफर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी टाइप्स के जो लोन ऑफर्स है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसको स्मॉल टिकट साइज, तो इसमें गाइस आपको 30,000 का लोन अप्रूव होगा जो कि गाइस 6 महीने के लिए होगा। और यदि गाइस आप मिड टिकट साइज में यहाँ पर चूज करते हैं तो गाइस आपको यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपीज़ का लोन यहाँ पर अप्रूव हो रहा है जो कि गाइस आपको 12 मंथ के लिए होगा। और यहाँ पर देखिए लार्ज टिकट साइज है उसमें गाइस आपको 2 लाख रुपीज़ का लोन अप्रूव हो रहा है जो कि 12 मंथ के लिए है। तो यहाँ पर गाइस आप कौन सा लोन अप्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गाइस मुझे छोटा लोन ही चाहिए। तो यहाँ पर गाइस मैं स्मॉल टिकट साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा।
तो यहाँ पर गाइस आपको अपनी जो सैलरी डेट है उसे एंटर कर लेना है, फिर गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है, फिर गाइस आपको अपना एक ईमेल आईडी एंटर कर लेना है, फिर नीचे की साइड आना है और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, गाइस आपको अपना जो करंट एड्रेस है उसे यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही गाइस आप सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि गाइस आपको अपना जो बैंक डिटेल्स है, जिस भी बैंक अकाउंट में अपना जो लोन है उसे यहाँ पर अप्रूव करना चाहते हैं, जिससे कि गाइस आपका जो लोन है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, तो उस बैंक डिटेल्स को गाइस आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपका जो लोन अप्रूव है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और कुछ ही टाइम में आपका 1 या 2 दिन में गाइस आपका जो लोन है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप भी अपने मोबाइल में क्रिएट फिन एप्लीकेशन से ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो गाइस कुछ इस टाइप से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।